अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो आज हम जो पीजी एंट्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का एंट्रेंस सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा पीजी का एंट्रेंस होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का, क्योंकि फॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं, फॉर्म्स आपने भरे होंगे, तो आप कुछ ही महीने रहे या एक या डेढ़ महीने या दो महीने रह गए हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को, तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस में किस चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक रेकमेंडेड है, कैसे पढ़ेंगे, तो ये सब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफली। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बेसिकली, इसमें आपको एंट्रेंस में आपको 15 यूनिट्स दिए हुए होंगे और इन 15 यूनिट्स में आपको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे और हर एक यूनिट से आपके 4 मार्क्स मिलेंगे। तो हर एक का वेटेज जो है 4 मार्क्स आपको कवर करने हैं। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन को आंसर करना या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा तो उसको आपको टिक करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे पार्ट 1 पे, यानी यूनिट 1 पे। इसमें जो केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स वगैरह, कपल रिएक्शन, इल्यूमिनेशन, आइसोमेराइजेशन, रीअरेंजमेंट, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डेर वाल फोर्सेस, ये सारा जो है न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स वगैरह, केमिकल काइनेटिक्स, कैटालिसिस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा आपको बेसिक एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो 11th 12th की होती है उसमें ये ऑलमोस्ट ये सारा निकलेगा। इनफैक्ट अगर कुछ रहता है तो आप उसको गूगल कर सकते हो या आप उसको यूट्यूब से छोटे छोटे लेक्चर्स में पार्ट वाइज देख सकते हो। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका सिलेबस है, जितने भी इसमें लाइंस या सेंटेंसेस या आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे सब आपको जहन में रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% जहन में रहेगा, बट जो ही आप एंट्रेंस में पेपर आपके सामने आता है तो आपको स्ट्राइक होता है कि मैंने ये चीज़ मेंशन की है, मैंने ये चीज़ कहीं ना कहीं नोट्स में रखी है, कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ी है। फिर आप जो ही उनके जो आपके उसमें ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो आप उस पर 50-60% आपके चांस बनते हैं कि आप उसको ठीक कर सकते हो। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि सारा लाइन टू लाइन, हर एक लाइन को आप छांटना, हर एक लाइन को इम्पॉर्टेंस देनी है, तो हर एक लाइन आपको कवर करनी है। तो मैंने सबसे पहली बात बोली कि आपको जो पहला चैप्टर है आपको इसको केमिस्ट्री एनसीईआरटी जो 11th 12th की बुक्स हैं तो वहाँ से आपको ये सारा कवर करना है और छोटे छोटे नोट्स लेने हैं। और कितना लेना है, क्या लेना है, तो आप उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो पुराने पेपर्स को देख के। यूनिट 2 पे आते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटमिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। मैं अगर नटशेल में एक बुक रेकमेंड करूँ जो आपको मिनिमलिज्म जो है, मिनिमलिस्टिक बुक मैं कहूँगा, जिसमें बहुत कम दिया हुआ है, और दैट इज़ इनफ एंट्रेंस के लिए, इतना काफ़ी है। फिर जब एंट्रेंस आपका क्वालिफाई हो जाएगा फिर नाउ स्काई इज़ द हाइट, ठीक है। आप कोई भी बुक, फिर आपको बोला जाएगा लेनिंजर पढ़ो, वाइट एंड वाइट पढ़ो, विल्सन वॉकर पढ़ो, ठीक है। आपको जो है हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी बुक है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के लिए, फिलहाल मैं अगर बोलूँगा बेसिक बायोकेमिस्ट्री अपनी सीधी करने के लिए आपको यू सत्यनारायण पे आना पड़ेगा, सबसे छोटी मिनिमल, या आपको JL JN एक ही इंडियन ऑथर है तो वो आप रेकमेंड, मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो आप पढ़ो, ठीक है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी होगा। अगर आप वो कवर करोगे तो वो बहुत काफ़ी है और बहुत कुछ लिखा है उसमें। तो आप चैप्टर नंबर जो हमारा यूनिट 2 है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है, इनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और मैंने भी इस पे लेक्चर बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। और उसके बाद जो हमारा यूनिट 3 है, यूनिट 3B जो एंजाइम्स वाला पोर्शन है, ये सारा अलग सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जो है बायोकेमिस्ट्री का यू सत्यनारायण पे, पूरा इसमें सारा सब कुछ, एक्टिविटी, सारा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, सब कुछ, काइनेटिक्स, सब कुछ इसमें आएगा। अब जो यूनिट 4 है आपका, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यानी ये मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, और जो प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फिनाइल किटोन्यूरिया, टायरोसिनीमिया, BMR क्या होता है, ये सब, ये
ये भी आपको अलग सा चैप्टर है इसमें, ठीक है। योग सत्य नारायण में आपको एक अलग सा चैप्टर मेटाबॉलिज्म के नाम से मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो, जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो ये यहाँ से आपको ये यहाँ पे आपको सेक्शन 3 में मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है, इसमें सारा आपको कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सब के रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म है वो। हाँ, फिर से मैं कहूँगा, अगर कुछ रहता है इसमें नहीं होगा तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, या आप यूट्यूब पे जाओ और छोटे छोटे लेक्चर्स, छोटे छोटे वीडियोज़ को देख के छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। अब पार्ट 5 या हमारा यूनिट 5 जो है, इसमें हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जैसे ER, गॉल्गी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, सेल साइकिल, सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये सब जो है, कोई भी बेसिक जो आपका जो है आपकी बुक होगी जिसपे आपको जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में डिफरेंसेस होंगे और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनके बारे में मिनिमल पढ़ो, मिनिमल, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही सेल साइकिल, अगर आप, मुझे लगता है अगर आप 11th 12th की जो सेल साइकिल है वो सारा रिटेन करोगे, वो सब देख लोगे, वो सब अच्छे से मेमोराइज़ करोगे, मुझे लगता है काफ़ी है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में उतना आपको डिटेल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लेवल पे नहीं जाना है। सेल मेम्ब्रेन की बेसिक छोटी सी कुछ फंक्शंस है, चैनल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, आउटसाइड प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है, मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो आपको बेसिक बुक्स में मिलेगा, या तो 11th 12th की, या उससे हायर अगर आप जाना चाहते हो, थोड़ा सा टच में दूंगा, अगर आप उससे थोड़ा सा हायर जाए तो पाथ फाइंडर। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप जो है BSc के बाद डायरेक्ट पाथ फाइंडर को पकड़ो, अनलेस अनटिल आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो आपको पाथ फाइंडर बहुत मिनिमलिस्टिक है और बहुत काफ़ी है दिया हुआ है उसमें, तो आप पाथ फाइंडर को भी कंसल्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि उसमें फिर बायोकेमिस्ट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको पाथ फाइंडर के साथ ही सारा टाइम चला जाएगा। हाँ, अगर आपको कम से कम टाइम में करना है तो यूट्यूब या गूगल कर सकते हो, और अंदाज़ा आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जब आप पेपर को देखोगे, पिछले 2-3 साल या 4 साल के पेपर्स को रिवाइज़ करोगे, देखोगे क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, उतने ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होते, इसीलिए उतना ज़्यादा डीप और उतना ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है। उसके बाद आपको जो यूनिट 6 है, सेंट्रल डॉगमा, यानी आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, तो रेप्लिकेशन वगैरह, वो भी आपको योग सत्य नारायण की जो बायोकेमिस्ट्री की बुक है, तो इसमें ये अलग सा है, ठीक है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे है, देखो ये है आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट जो DNA रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, जीन एक्सप्रेशन है, सारा दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा दिया होगा। ये आप अगर टैली करोगे ना, थोड़ा सा अंदाज़ा ही रखोगे ना, छोटे छोटे नोट्स बनाओगे ना, बहुत काफ़ी है। DNA रेप्लिकेशन, DNA ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, अंदाज़ा ही रखना है। और पेपर्स ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आई हाईली स्ट्रेस ऑन दिस कि आप पिछले पेपर्स को प्लीज़ देख लो, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक का किस लेवल से वो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको PhD नहीं करना है एक ही टॉपिक को लेके, ठीक है। अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो रेप्लिकेशन पे अलग बुक लिखी है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अलग अलग बुक्स लिखे हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं, दिमाग चकरा जाता है, ठीक है। तो हाई फाई बुक्स आपको मास्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको मिनिमल तरीके से इसको निपटाना है। इसके बाद माइक्रोबियल सिस्टम स्ट्रक्चर, वायरसेस, बैक्टीरिया, वायरुलेंस, पैथोजेंस, होस्ट पैरासाइट रिलेशन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ये आप गूगल कर सकते हो, या मैं अगर रिकमेंड करूँगा प्रेस्कॉट अगर पढ़ने बैठे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक तो योग सत्य नारायण को देखो, JLJN में देख लो, ठीक है। एक और है अरोरा की, वो बुक सेल बायोलॉजी, उसमें बहुत सारा इकोलॉजी वगैरह वगैरह टॉपिक्स है, उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी ये बेसिक्स इसमें इसके रिलेटेड मेंशन होंगे। या अगर पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मैंने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स उठा के गूगल में डाल दिया, थोड़ा सा मिनिमल तरीके से मैं छोटे नोट्स इसके बना सकता हूँ, ऐसे आपको भी करना है।
अब हम 7 पे आते हैं, हिस्ट्री स्कोप स्किल के साथ इम्यूनोलॉजी, यानी पूरा इम्यूनोलॉजी। अगर आप इम्यूनोलॉजी को देखोगे बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको इसमें क्यूबी नहीं पढ़नी है। कोई बोलेगा आपको रॉइड पढ़ो, क्यूबी पढ़ो, ठीक है, वो हाई फाई बुक्स है, वो आपको मास्टर्स में पढ़नी है, पढ़नी पढ़नी है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए बायोकेमिस्ट्री ही उसे नारायण की, और इसमें आप जो है क्यूबी नहीं पढ़ोगे। आप यहाँ पे है हमारा इम्यूनोलॉजी पूरा चैप्टर, सारा बेसिक्स सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स उठा के सीधे जाओ हमारे एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है 12th की, उसमें जाओ, ये सारा उसी में नहीं उसमें से निकलेगा, क्रॉसिंग ओवर लिंक के सब कुछ निकलेगा। और क्वेश्चंस को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना पढ़ना है। अब रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे हमने बोला रिकमेंडेड, ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ जीन क्लोनिंग रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री फिर से, तो ये हमने अभी देखा था, कहाँ पे देखा था हमने, ये है रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ, फिर से मैं कहूँगा अगर इसमें से कुछ रहता है, जैसे TIRI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है, BT कॉटन गोल्डन राइस, जो मैंने ये कहा था इनको मैंने हाईलाइट किया, यह इम्पॉर्टेंट है। नहीं निकले तो आप गूगल करना, YouTube से छोटे लेक्चर देख लेना, तो कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर्स। हाँ, अब आते हैं हमारे 11th पे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ये है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का कोर, किडनी, लिवर, थायराइड टेस्ट, ये सारे KFT, LFT, ठीक है, TFT, लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज टॉलरेंस, सारा आपको YouTube से मिल जाएगा, सारा छोटे छोटे लेक्चर 5 मिनट 10 मिनट के रिकमेंडेड है, वो देख लो, छोटे नोट्स बनाओ, इनफ। और आप जब क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप कोई एमलिस एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से नोट्स बना लो, हो गया चैप्टर, ठीक है। फिर 12 सेल इंजरी टाइप्स ऑफ, जैसे हमारा एपोप्टोसिस वगैरह, इन्फ्लेमेशन, ये सारा इम्यूनोलॉजी में आ जाता है। अगर आप क्यूबी ही देखना चाहते तो क्यूबी का फेस, या आप जब आप ये हमारा बायोकेमिस्ट्री की बुक में इम्यूनोलॉजी देखोगे तो उसमें ये थोड़े से आ जाएंगे। अगर कुछ रहता है तो यूट्यूब या गूगल कर लेना, ईडीमा वगैरह, शॉक डिफिनिशन क्या होता है, पैथोजेनेसिस, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्लीज़ देख लेना। अब जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन, जो हमारी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के रिलेटेड आप 11th 12th की जो हमारी NCERT की बुक है वो सारा छांट लेना। हाँ, फिर हर एक ऑर्गन जो हमारा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सिस्टम्स के रिलेटेड छोटी छोटी क्या इंपॉर्टेंट डिजीजेज जो मोस्ट कॉमन है उनको देख लेना, छोटे छोटे नोट्स उनके पैराग्राफ्स में बना लेना, ठीक है। फिर ये हमारा जो है चैप्टर हमारा 14 है, जिसमें हमारे टेक्निक्स है, टेक्निक्स के लिए पूरा चैप्टर आपको इसी बुक में कहीं और नहीं जाना है, ठीक है, इसी बुक में मैंशनड है, मैंने कहीं से देखा था, ठीक, ये है बायोफिजिकल टेक्निक्स, ठीक है, इसमें बायोफिजिकल एसोमेरिज्म वगैरह इसमें आएगा, टूल्स जैसे क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये सारा चैप्टर 41 में आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सारा। हाँ, अगर कुछ रहता है वहीं जाना, ठीक है। अब लास्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस है, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, C3C4 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये जी कहीं हाईफाई बुक्स आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने नहीं बैठना, सीधे यूट्यूब और सीधे आपका जो है गूगल ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है यूट्यूब पे, उनको देख लो, और जिन्होंने इन पे काम किया होगा, जिन्होंने इन पे टॉपिक्स बनाए होंगे, या आप जो है हमारे NCERT की जो बुक है उस पे जाना। सो दिस इज़ ऑल आई गेस। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हर लाइन को कवर करना है और छोटे छोटे नोट्स बनाने इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पिछले साल के जितने भी पिछले साल के और उससे पिछले साल के 2-3 साल के एंट्रेंस पेपर्स को प्लीज़ ज़रूर देख लेना, उससे आपका अंदाज़ा हो जाता है क्वेश्चन किस लेवल का है। और जब आपने कोई टॉपिक कवर किया, कहीं से भी कवर किया, अब आपको ये देखना है कि क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है करना कि नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स,
थैंक यू सो मच।